थोड़ा ध्यान देंगे आप बच्चे। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं तीसरे पैराग्राफ की कल कुल गुरु कालिदासः, ये चल रहा है पाठ, इसमें तीसरा पैराग्राफ देखेंगे और थोड़ा सा समय मिला तो हम चौथा पैराग्राफ भी देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया था आपको तीन चीज़ें आपको याद करनी है, पहला शब्द रूप, दूसरा धातु रूप, तीसरा शब्दार्थ, चौथा कारक चिन्ह। इनको कंठस्थ कर लो, बिना इनके कंठस्थ के आप इसको सही से अर्थ नहीं लगा पाएंगे, फिर बाद में आपको समस्या होगी जिससे कि बहुत सारी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। ठीक है, आप इसको कितना भी रटेंगे रट नहीं सकते। चलते हैं हम, एक जनश्रुति ही अति प्रसिद्ध अस्ति, यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमा इति ख्यापिता। ठीक है, एका जनश्रुति, एका स्त्रीलिंग है जनश्रुति के कारण, एक जनश्रुति के अनुसार, इसको किंवदंती भी बोलते हैं। किंवदंती मतलब लोगों के द्वारा कुछ चर्चाएं होती हैं उनको जनश्रुति बोला जाता है। ठीक है, यानी लोगों के बीच में जैसे बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, ऐसे ही एक जनश्रुति थी और वो कैसी थी, अति प्रसिद्धा अस्ति, अति प्रसिद्ध थी, यया जिसके, यया कवि कालिदासः, जिससे कि कालिदास, या यव ये याम यव यान, ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया स्त्रीलिंग में, है जो जनश्रुति थी उसके, जनश्रुति के अनुसार कालिदास जो थे विक्रमादित्यस्य, षष्ठी का प्रयोग है, विक्रमादित्य के सभा रत्नेषु, सप्तमी में पेपर, सभा रत्न में मुख्य तमा, यानी तमा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, जो मुख्य होते हैं उनमें भी श्रेष्ठ जो होते हैं मुख्यों में मुख्य, सबसे मुख्य थे इति, ऐसा, इति मतलब क्या होता है, इति से तात्पर्य होता है ऐसा, ऐसा ख्यापिता, ख्यापित था यानी कि विख्यात था, या मान के चलिए इसमें माना जाता था कि वो सबसे ज्यादा मुख्य थे, परंतु अत्र अपरा, यहां पर, अत्र माने यहां पर, अपरा माने दूसरी विडंबना संपुत्पद्यते, दूसरी विडंबना शुरू हो जाती है, संपुत्पद्यते मतलब उत्पन्न हो जाती है, क्या कह रहे हैं कि विक्रमादित्यस्य अपि स्थिति कालः सुतराम स्पष्टो नास्ति, अर्थात विक्रमादित्य का भी, अपि माने भी, से अपि का भी स्थिति का, जो उनका जो समय था कि विक्रमादित्य जो राजा थे वो, उनकी स्थिति किस समय थी, अर्थात वो राजा किस काल में थे, स्थिति काल स्तर पर क्या है, जिस समय में वो स्थित थे, जिस समय राज करते थे, सुतराम स्पष्टो नास्ति, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। ठीक है, स्पष्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये भी सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है कि वो किस काल में, किस समय में, किस सन में वो राजा राज करते थे, विक्रमादित्य नाम के थे। केचिन मन्यते, कुछ लोग मानते हैं, केचिन मन्यते, कुछ मानते हैं कि यत मानी होता है कि, ठीक है, विक्रमादित्य उपाधि धारिणों, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए, धारण मतलब धारण किए हुए द्वितीय चंद्रगुप्तस्य, यानी गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य में एक राजा थे चंद्रगुप्त, वैसे चंद्रगुप्त दो हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो गुप्त साम्राज्य जो था उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसने उपाधि को धारण किया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, तो यानी द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालिक थे, यानी कि उन्हीं की राजसभा में रहते थे, कौन मानता है, केचन मन्यते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, है ना, तो इनको जब आपको ये कारक चिन्ह पता चल जाएंगे और विभक्तियां पता चल जाएंगी तो इसका अर्थ बहुत ही सरल रह जाएगा, जो कुछ अर्थ रह जाएगा फिर वो शब्दार्थ पर आधारित होता है। कवि असौ, यह जो कवि थे, असौ, असौ जो शब्द है अदस का रूप है, अदस के रूप याद कर लेना, अदस के थोड़े से रूप कठिन है,
असौ अमु अमी इस तरह रूप चलते हैं इसके। अदस्य रूप आपको याद कर लेने हैं। ध्यान रखना अदस्य के रूप लिख करके मुझे दिखाओगे कॉपी में, उसकी फोटो कॉपी भेज देना, ठीक है। चलिए, यानी कि अब दो चीजें होंगी यहाँ। एक तो है कि विक्रमादित्य के समय में किसी विक्रमादित्य की सभा में रहते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि विक्रमादित्य का समय निश्चित नहीं था। दूसरे लोग मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके दरबार में रहते थे, जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। आगे चलते हैं। कालिदासस्य मालविका अग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत। यानी कालिदास के विक्रमादित्य नाटक के, वैसे समय के लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक मई के लगाया। कालिदास के विक्रमादित्य नाटक के नायक, नायक मतलब जो नेता होता है, जो नायक होता है, जिसको हम हीरो बोलते हैं, है ना। हीरो कौन थे? अग्निमित्र, जो शुंगवंशीय थे। अर्थात इसका पूरा अर्थ ऐसे होगा, कालिदास के मालविका अग्निमित्र जो नाटक है उसके नायक अग्निमित्र हैं, जो शुंगवंशीय थे। ठीक है, शुंगवंशी का मतलब क्या है? वंश किसी एक के नाम से चलता है। जैसे जो गुप्त वंश चलाता है, चंद्रगुप्त जो है, यहाँ एक होता, एक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। वो मौर्य अलग है, वो मौर्य साम्राज्य मौर्य वंशी था, ये चंद्रगुप्त गुप्त वंशी है। तो चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश था, तो इनके पिता का नाम श्रीगुप्त था, इनके पिता का नहीं, इनके शायद बाबा का नाम था, ठीक है। श्रीगुप्त नाम के एक किसी व्यक्ति ने वो इस राज्य की स्थापना की थी, तो इसलिए इनके शासकों को गुप्त वंशीय बोला जाता था। ऐसे शुंगवंशीय, शुंग वंश का शुंग से नाम से कोई राजा रहे होंगे, इसलिए अग्निमित्र को शुंगवंशीय बोला जाता है, ठीक है, ये शुंगवंशीय थे। चलिए आगे चलते हैं। सा एव विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, उसने भी या वह ही या वह भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए हुए था, या उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। धृतवान, इसमें कत्वत्व प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बाद में देखेंगे कौन कौन से आपके प्रत्यय लगते हैं, तो उन प्रत्यय हो जाएंगे। तो उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। यस्य सभा रत्नेषु, यस्य सभा रत्नेषु एका कालिदासा आसीत, यानी कि इसकी सभा रत्नों में एक कालिदास थे। यानी कि इसकी सभा रत्न, सभा रत्न से तात्पर्य है सभा में रहने वाले मनुष्यों को, लोगों को रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाता था। जैसे आजकल भी रत्न और महारत्न की उपाधि से व्यक्ति को नहीं, लेकिन रत्न की उपाधि से व्यक्ति को भी, और यहाँ भारत में आजकल कंपनियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको रत्न और महारत्न की उपाधि से विभूषित किया जाता था। उनको नाम दिया था कि ये रत्न के अंतर्गत आएंगी, ये महारत्न के अंतर्गत आएंगी, ऐसी कंपनी। ऐसे ही जो लोग विद्वान हुआ करते थे उनको रत्न बोला जाता था। तो सभा रत्न में, यानी कि जो विक्रमादित्य थे उनकी सभा में भी एक कालिदास थे, ठीक है। अब कितने कालिदास हो गए? तीन कालिदास हो गए, एक पहले विक्रमादित्य वाले, एक दूसरे विक्रमादित्य वाले यानी चंद्रगुप्त वाले, एक विक्रमादित्य जिन्हें शुंगवंशी शासक थे अग्निमित्र के नाटक में, तो तीन हो गया। तस्य राज्ञः स्थिति काला ख्रीष्टाब्द प्राग आसीत, इस राजा की, यानी कि जो उस राजा की या इस राजा की, जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे या अग्निमित्र जिनको बोला जाता था, उनकी स्थिति काल यानी उनके समय का, उनकी सन, उनके राज्य करने का जो समय था वो ख्रीष्टाब्द प्राग आसीत। ख्रीष्ट किसे कहते हैं? ईसवी सन, सन ईसवी को ख्रीष्टाब्द बोला जाता है, ठीक है ना। जो ईसा मसीह थे उनसे ही सारे विश्व में दो भागों में बांटा गया है, पूरा विश्व, पूरा विश्व किस भागों बांटा गया है? पूरे विश्व को दो भागों में बांटा गया है। एक तो भाग है ईसा मसीह से पूर्व का, और एक भाग है ईसा मसीह के बाद का। तो जो ख्रीष्ट शब्द है वो ईसा मसीह से लिया गया है, तो ख्रीष्टाब्दात यानी ईसवी सन से प्राक आसीत पहले था, है ना। तो स्थिति काल कब है इनकी?
यानी कि ईसवी से बहुत पहले थी, बहुत पहले ये राजा राज करते थे, ये इसका तात्पर्य हुआ। सा एव स्थिति काला कवे अपि सिद्ध्यति, वह ही स्थिति काल, यानी जो स्थिति काल इसमें देख रखा है वही स्थिति काल कभी की भी सिद्ध होती है। सिद्ध्यति मतलब सिद्ध होती है, किसकी, कवि की भी, कौन से कवि, कालिदास की। अर्थात कालिदास जो है ईसवी पूर्व, एक शब्द लगाया जाता है ईसवी पूर्व, है ना, ईसवी पूर्व सिद्ध होती है, तो ये ईसवी पूर्व में रहे हैं, ये इसका तात्पर्य है। चलिए, कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषय अपि न एक मत्यम अस्ति, यानी कि कालिदास का जैसे समय के बारे में कोई एक मत नहीं है, वैसे ही कालिदासस्य जन्म स्थान विषय अपि, कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी कोई एक मत नहीं है, अर्थात कोई किसी का भी एक विचार नहीं है कि नहीं ये ऐसे ही यहाँ पैदा हुआ था। जैसे आप बच्चे हैं, आपका गांव पता है आपको, तो आपके बारे में निश्चित कहा जा सकता है कि आप माचड़ के हैं, ये भी कहा जा सकता है कि आप पलसेड़े के हैं, ये भी कहा जा सकता है कि आप अधियार के हैं, ये भी कहा जा सकता है कि शादीपुर के हैं, तो ऐसे इनके बारे में ये निश्चित नहीं था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, ये इसका तात्पर्य है। एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति यत इनकी, यानी कि जो कवि थे उनकी इतनी महिमा है, जो कालिदास हैं, कालिदास हैं, उनकी इतनी महिमा है कि सर्वे एव तम, तमन उनको, किनको, कालिदास को, सभी लोग, सभी ही अपने उनको स्व स्वदेशीयम साधयितुं तत्परा भवन्ति, अपने अपने देश में जन्म हुआ है ऐसा बताने के लिए तत्पर हैं, है ना, इतनी इनकी महिमा थी, अर्थात ये बहुत उच्च श्रेणी के विद्वान थे। कश्मीर वासी विद्वान साहब, कश्मीर के जो विद्वान थे वो कश्मीरोद्भवम तम मन्यते, कश्मीर वासी विद्वान साहब, यानी कश्मीर के जो वासी विद्वान है, अर्थात कश्मीर के रहने वाले जो विद्वान हैं, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, जो कवि हैं, वो तमनी इनको, किनको, उनको, अर्थात कालिदास को, कश्मीरोद्भव अर्थात कश्मीर में ही ये पैदा हुए थे, मन्यन्ते ऐसा मानते हैं, ठीक है। वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, और वंगवासी, बंगाल के वासी जितने भी हैं विद्वान, वो वंगदेशीयम यानी बंगाल के देश, बंगाल देश में ये पैदा हुए ऐसा मानते हैं। अस्ति तावत अन्योपि समीक्षक वर्ग उनमें, चलो ठीक है इतनी बातें, तो उन अन्योपि दूसरे भी समीक्षक वर्ग, जो दूसरे समीक्षक वर्ग हैं अर्थात जो समीक्षा करने वाले हैं, अस्य मतेन उनके मत में, या जिनके मत में, यस्य मतेन जिनके मत में, कालिदास उज्जैन्याम लब्धम लब्ध जन्म आसीत, अर्थात उनके उनके मत में, किनके मत में, जो अन्य समीक्षक वर्ग हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा समीक्षा की, ऐसे वर्ग में आने वाले जो विद्वान थे वो कालिदास को उज्जैन्याम अर्थात उज्जैनी में जन्म लिया ऐसा मानते हैं, ठीक। कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, तो इसमें आगे कहा गया है उज्जैनीम प्रति कवे सातिशयो अनुराग एतन मतम पुष्णाति, अर्थात उज्जैनीम उज्जैनी के प्रति कवि, यानी जो कवि थे उनकी सा अतिशय अनुराग बहुत अधिक प्रेम के कारण, एतत मतम जो मत है, ये जो मत है जो उज्जैनी में पैदा हुए थे, एतम मतम, एतत मतम पुष्णाति पुष्ट करता है, इस मत को पुष्ट करता है। कालिदास ने उज्जैनी की नगरी के बारे में बहुत अधिक प्रेम दिखलाया है, बहुत अधिक वर्णन किया है, इसलिए यह माना जाता है कि वो उज्जैनी के निवासी थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अब हम इसके अर्थ को
सारांश के रूप में पूरा देख लेते हैं। आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। देखिए जनश्रुति में बताया था लोकोक्ति क्यों वदंती, या लोगों के द्वारा जो बातें की जाती हैं उसको हम लोकोक्ति कहते हैं, लोकोक्ति। ठीक है, ख्यापित बताया गया, ख्याति प्राप्त की गई, बोला गया, ये कुछ भी लगा लिए। अत्र अपरा, यहाँ दूसरा, ऐसे ही बताया था मैंने, समुपद्यते उत्पन्न होती है, सुतरा मानी भली प्रकार विक्रमादित्य उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि का सभार लेशो एक, सभार थोड़ा गलत हो गया, ठीक है ना, ले नहीं है, सभा रत्न है ना, रत्न है, सभा रत्नों में एक ख्रीष्टाब्देन ईसवी वर्ष से, ईसवी वर्ष बोला था मैंने ईसा मसीह के बारे में, ख्रीष्टाब्दा प्राप्त मानी पहले, सिद्धि में सिद्धता न एकम अत्यस्ति, एक मत नहीं है, एतावान इतनी साधे तुम सिद्धि करने के लिए, यानी सिद्ध करने के लिए, लब्ध जन्मासी जन्म हुआ था, सा अतिशय अत्यधिक, सातशय का मतलब अत्यधिक, पुष्णाति माने पुष्ट करता है, ये इसका शब्दार्थ आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। प्रसंग, प्रसंग वही है कालिदास के जन्म स्थिति काल के विषय में प्रचलित विभिन्न मत दिए गए, इस गद्यांश में अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए, ये हम जानते ही हैं। अब देख लेते हैं इसका अर्थ। एक लोकोक्ति के मंती अत्यंत प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में प्रमुख बताए गए हैं, परंतु इस विषय में दूसरी शंका उत्पन्न होती है, विक्रमादित्य का भी स्थिति का अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है। मैंने बताया था कि विक्रमादित्य किस काल में हुए थे, कैसे हुए थे, ये कुछ भी पता नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये मैंने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, इसके बारे में विस्तृत में बताया है। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंश का था, उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, ठीक है ना, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, ये ऐसा इसमें माना जाता है। इस किताब में थोड़ी और तरीके से दिया गया है और किताब में कुछ और तरीके से, चलिए हमारा जो दिया है हम उसी पढ़ेंगे। जिसकी सभा के रत्न में कालिदास एक थे, यानी मैंने बताया ना सभा रत्न, रत्न मतलब व्यक्तियों को माना गया है, मैंने बता चुका हूँ आपको, ध्यान से पढ़ना इसको। उस राजा की स्थिति कौन है, ये स्थिति काल है ना, स्थिति काल ईसवी सन से पूर्व था, अर्थात ईसवी से पहले हुए थे, एक से पहले हुए थे ऐसा माना जाता है, वही स्थिति काल कवि के भी सिद्ध होती है। कवि कालिदास के जन्म के विषय में भी एक मत नहीं है, इस कवि की ऐसी महिमा है, येतावान बताया ना, येतावान कवि है कि सभी इसे अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए कि हमारे देश में हुई थी, हमारे देश में हुई थी। कश्मीर के निवासी विद्वानों ने कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, बंगाल के निवासी बांग्लादेश में, दूसरा भी समीक्षक वर्ग है जिसके मत में कालिदास का जन्म उज्जैन हुआ था, ये मैं बहुत अच्छे समझाया, उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे, अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे और देखेंगे। देश कालाद एव कालिदास कुलस्य आपि स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते, ये संधि कर सकते हैं इसमें न उपलभ्यते, मैंने इसीलिए संधि आपको बहुत ढंग से समझाई है, जब तक संधि करना नहीं सीखेंगे अर्थ मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए संधियों को विशेष ज्ञान अर्जित कर लो। संधियों से 70% भाग संस्कृत का समझ में आ जाता है संधि करने से। तो देश कालाद एव, कालिदास कुलस्य यानी देश काल की तरह ही, कालिदास के कुल, कुल मतलब परिवार, ठीक है, परिवार का स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता। मतलब यह है कि कालिदास का जैसे काल यानी समय निश्चित नहीं है, कहां कितने साल में जन्मे, ना ही उनका ये पता है कि वो कहां जन्मे, उसी तरह से वो किस परिवार में जन्मे यानी किस परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, स्पष्ट परिचयो न उपलब्धते, ऐसा स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता। स्पष्ट परिचय का यहाँ तो स्पष्ट शब्द ही गलत लगा दिया है, फिर हमारे लिए अध्ययन करने के लिए लगाया है, वो तो उनके परिवार का आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया, ठीक है,
इसीलिए स्पष्ट परिचय भी यहाँ गलत ही है। खैर हमको तो पढ़ना है इसीलिए इसको समझ लीजिए, स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता अर्थात साफ साफ हमको जानकारी उसके विषय में नहीं मिलती। तस्य कृतिषु, कृतिषु का मतलब रचनाओं में, मेरे पास सप्तमी व्यक्ति है, उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया है ना, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग है इसमें, वर्ण आश्रम और धर्म की व्यवस्था को या के यथा तथ्येन यथा तथ्य से प्रतिपादनेन प्रतिपादन से एतद् अनुमीयते ऐसा अनुमान किया जाता है। देखो इसमें तृतीय व्यक्ति दोनों ध्यान रखना, इसलिए से प्रयोग किया जाता है तथा यथा तथ्येन प्रतिपादनेन जैसा तथ्य मिलता है उसके प्रतिपादन से या उसके वर्णन से एतद् अनुमीयते ऐसा अनुमान किया जाता है कि यद्वन कि तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। विप्र मतलब ब्राह्मण है ना, विप्रकुले कुले मतलब सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग, कुल में परिवार में, अवत हुआ लंबकार का प्रयोग है इसमें, ब्राह्मण कुल में हुआ ऐसा इसमें माना जाता है। भावनया स शिवा अनुरक्तश्च आसीत्। भावनया यानी भावना से, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग इसमें याद रखना, भावना से स वह कौन कालिदासः शिवा अनुरक्त च आसीत्, यानी शिव में अनुरक्त थे अर्थात शिव भक्त थे अर्थात वो शिव की पूजा किया करते थे, तथापि तो भी तस्य उनका या उनकी धर्म भावनायाम उनकी धर्म भावना में है ना, उनकी धर्म भावना में सप्तमी का प्रयोग है, मनात अपि संधि करना सीखिए, मनात अपि थोड़ा भी संकीर्णता या थोड़ी भी संकीर्णता न आसीत नहीं थी। संकीर्णता से मतलब संकुचित बुद्धि वाले अर्थात उनकी भावना या उनकी बौद्धि बुद्धि बिल्कुल भी संकुचित नहीं थी। जैसा कि हम आजकल देखते हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो मुस्लिम धर्म से घृणा करते हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं वो हिंदू धर्म से घृणा करते हैं, हिंदुओं में भी अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले हैं, कोई बौद्ध है कोई जैन है कोई हिंदू है, हिंदू में भी कोई वैष्णव है कोई शैव है, कोई किसी चीज को मानने वाला है, वैष्णव का मतलब जो विष्णु को मानता है, शिव शैव का मतलब जो शिव को मानता है ना, ये दोनों ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन भगवान शिव के अनुरक्त होने के बावजूद भी कालिदास में बुद्धि संकीर्ण नहीं थी अर्थात जितना वो भगवान शंकर से शंकर की भक्ति में लगाते थे उतना ही समय वो भगवान राम की भक्ति में भी लगाते थे, अर्थात उनके प्रति भी उनका प्रेम निश्चल दिखाई पड़ता है ऐसा इसमें बोला गया है। आजकल तो जाति छोटी छोटी जातियां भी बन गई हैं जो संकीर्ण बुद्धि को दर्शाते हैं कि तू इस जाति का है मैं उसी जाति का हूँ, तेरी छोटी जाति है मेरी बड़ी जाति है, ये संकीर्ण बुद्धियों वालों का ही एक कार्य है, इसलिए हमें इनसे भी सीख करनी चाहिए। चलिए शिव भक्तो अभी सन, सन का मतलब होते हुए, सत है ना, अस धातु होती है उसमें ये प्रत्यय लगता है, शत्र शानस प्रत्यय लगता है तो सन बन जाता है, चलो वो बात की बात है। शिव भक्तो अभी शिव भक्त होते हुए भी रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भावं उदार मनसा प्रकटयति। कितनी गजब की बात बताई है, वो भगवान शिव के भक्त होते हुए भी रघुवंश में, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग याद रखना, रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति स्वभक्ति भावं अपने भक्ति भावना की उदारता मनसा प्रकटयति मन से प्रकट की है अर्थात राम की भक्ति भी उन्होंने मन से ही दिखाई है, ऐसा नहीं कि ऊपर ले मन से राम के बारे में वर्णन किया, जब आप रघुवंश पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा वर्णन आज तक किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलता। कालिदासस्य षष्ठी का प्रयोग है जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञानांधकाराच्छन्नमस्ति, यानी कालिदास का जो जीवन वृत्त है पूरा वो सर्वथा हमेशा सब प्रकार से अंधकार से आच्छन्न है, अंधकार से घिरा हुआ तद विषय का उनके विषय का अनेका उनके विषय की अनेकों जनश्रुतियां, अनेकों जनश्रुतियों से तात्पर्य क्या है, अनेकों की किंवदंतियां, मैंने बताया ना जनश्रुति किंवदंती लोगों के द्वारा चर्चा की जाने वाले विषय लब्ध प्रसर प्रस
संति यानी कि प्राप्त होती हैं और प्रचारित होती हुई दिखाई देती हैं। किंतु ता सर्वाह वे सब बहुवचन का प्रयोग है, ता सर्वा ईर्ष्या आकुलश कषाय चिंतानां कल्पना प्ररोहा एव यानी कि ईर्ष्या से आकर्षित घृणित कसैले चित्त वाले कलुषित मतलब कसैले चित्त वाले जैसे तुम करेला खा लो तो कैसा चित्त हो जाता तुम्हारा करेला से कड़वा चित्त हो जाता है, ऐसे चित्तवानों की चित्तानाम चित्तवानों की कल्पना प्ररोहा यानी कल्पना से अंकुरित प्ररोह मतलब जो उगे प्ररोह रोह मतलब उगना कल्पना में जो उगा हो यानी कल्पना प्ररोहा एव मन ही यानी कि उनकी कल्पना में ही वो जन्म लिया है। कौन जन्म लिए हैं? जो जनश्रुतियां हैं वो सारी लोगों के द्वारा ही कल्पित हैं अर्थात उन्होंने लोगों ने बनाया है। अत एवं सर्वथा चिंतया संति अतः ये सब चिंता के चिंतन के विचार करने के विषय हैं अर्थात उनको उनके विषय में चिंतन किया जाना चाहिए ये इसमें बोला गया। चलिए अब मैं इसका आपको अर्थ भी थोड़ा सा दिखा देता हूं जिससे कि समझ में आपको सही से आ जाए। ये देखिए इसमें दिखाया है कि गद्यांश में कालिदास के कुल के विषय में विचार व्यक्त किया गया है, कुल के विषय में विचार व्यक्त किया गया है और यहां तक हम इनके अनुवाद देखते हैं। देश और काल की तरह ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता, उनकी रचना में वर्ण आश्रम और धर्म की व्यवस्था का उचित प्रतिपादन होने से यह अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। विचार से वे शिव में अनुरक्त थे कि मैंने बताया शिव भक्त थे तो भी उनकी धर्म भावना में थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। यहाँ संकीर्णता शब्द का प्रयोग किया, संकीर्णता मतलब संकुचता यानी कि उनका दिमाग एक ही तरफ नहीं था सब तरफ था, सभी से वो उतना ही लगाव रखते थे। शिव भक्त के होते हुए भी रघुवंशम रघुवंश एक महाकाव्य है, मैंने इसलिए बताया था कि इसके महाकाव्य याद करो पुस्तकों को याद करो कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदास का जीवन वृत्त सभी प्रकार से अज्ञान के अंधकार में छाया हुआ, उनके विषय में अनेक जनश्रुतियां फैली हुई किंतु वे कैसी हैं? ईर्ष्या और कलुष्य से कलुषित मन वालों की कल्पना के अंकुर ही हैं अर्थात उनकी कल्पना से ही वो उगे हुए हैं, अतएव सभी प्रकार से विचार करने योग्य हैं, उनकी सारी जितनी भी किंवदंतियां हैं अच्छे से विचार करने। तो ये दोनों मैंने आपको अर्थ समझाए हैं, इनके अर्थ लिख भी रहे हैं, तो इनके चार पांच चीजें जो मैंने बताई उनको याद करना है और लिख करके इनको मुझे दिखाना। ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर देखेंगे।